आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, आदरणीय रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशी, आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल जी, उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, आज गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन में साकार हुए 8 से अधिक विकास प्रोजेक्ट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से, राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशी, आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल जी, उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, आज गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन में साकार हुए 8 से अधिक विकास प्रोजेक्ट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात को वैश्विक विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प किया था, उसकी आपूर्ति इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के श्रेष्ठ मेल एवं समन्वय से और एक दूसरे के पूरक बनकर साकार हुए हैं। मैं इस विविध लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में कार्यरत अन्य फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स तथा योजनाओं को भी समय पर पूरा करने के लिए गुजरात प्रशासन प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात। धन्यवाद माननीय श्री अनिल मुकिम जी। गुजरात को आज भारतीय रेल द्वारा एक साथ 5 सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है। इस ऐतिहासिक दिवस की खुशी में हमारे साथ सहभागी हैं भारत सरकार के नवनियुक्त माननीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। आदर से अनुरोध है माननीय रेल मंत्री जी को कि आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। युग पुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोष जी, वरिष्ठ सांसद एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब, वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े सम्मान्य अतिथिगण, रेलवे के मेरे साथी तथा बहनों एवं भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि रेलवे का विस्तार हो, आधुनिक तकनीक आए एवं जनमानस के जीवन में एक परिवर्तन आए, जो दिखे, जो लोगों को महसूस हो, इसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। रेल के विकास से राष्ट्र का विकास हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसी कड़ी में पिछले 7 वर्षों में रेलवे में कई बदलाव आए, बड़े बदलाव आए। भारत में निर्मित और भारत में डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक मिसाल बन चुकी है, दुनिया भर में इन ट्रेन का नाम हुआ है। रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के रास्ते में बहुत सफलता मिली है, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। विशेषकर कोविड जैसी महामारी के समय में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जनता का सारथी बना और गांव-गांव तक, घर-घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई, देश के कोने-कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। किसान रेल ने अन्नदाताओं की उपज को खेत से थाली तक पहुंचाया। इसमें मेरे वरिष्ठ मित्र श्री पीयूष जी गोयल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप और मार्गदर्शन में भारतीय रेल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। ये जो जिस बिल्डिंग में आज हम अभी बैठे हैं, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की ये भव्य इमारत, आज भारत के एस्पिरेशंस का जीवंत उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी के विजन का मूर्त रूप है। आज मेहसाना वरेठा लाइन को ब्रॉडगेज में कंप्लीट किया गया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन प्रकल्पों का भी लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर कैपिटल से लेकर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर कैपिटल और वरेठा के बीच एक जनता के लिए अति महत्वपूर्ण मेमू सेवा का भी
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। गुजरात के बहुमुखी विकास के लिए इन प्रकल्पों की प्रमुख भूमिका रहेगी। आज के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक समारोह में एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी आपका। पाटनगर गांधीनगर आज से 3.5 दशक पहले रेल सेवा से जुड़ा था। तब प्रारंभिक तौर पर इस स्टेशन पर गांधीनगर के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन मथक थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला लेकर आने वाली माल परिवहन रेल ही आवाजाही करती थी। तत्पश्चात गांधीनगर अहमदाबाद से रेल सेवा से जुड़ा और उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रेल सेवा, तत्पश्चात हरिद्वार प्रयागराज से जुड़ी रेल सेवा प्राप्त हुई और आज गांधीनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के माध्यम से शिवजी की नगरी व प्रधानमंत्री श्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी वाराणसी से जुड़ रहा है। इस अवसर पर गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद व भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। अनुरोध करते हैं माननीय गृह मंत्री जी से आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, हमणा जमने रेलवे नु सुकान संभाळ्यु छे एवा केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरातना उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल, केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोस, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष अने सांसद श्री सी आर पाटिल जी, गुजरात सरकार, रेलवे अने रेलवे अने गुजरात सरकार ना संयुक्त एक कॉर्पोरेशन ना सभी सौ कर्मचारी भाइयों अधिकारी भाइयों बहनों, आजे समग्र गुजरात माटे अने विशेष करी गांधीनगर मतक्षेत्र ना सौ नागरिकों माटे खूब आनंद नो दिवस। 35 वर्ष पछी गांधीनगर नी रेलवे स्टेशन नो संपूर्ण कायाकल्प माननीय नरेन्द्र भाई ना हाथे आजे थवा जई रह्यो छे। बहु समय पहला जयरे आ रेलवे स्टेशन नो विचार कर मुकवामां आव्यो, एनु मूर्त स्वरूप बन्यु, स्पेशल पर्पज व्हीकल बन्यु अने पछी जयरे कंस्ट्रक्शन चालू थयु त्यारे घणा बधा लोकोने लागतुं हतुं के एक प्रकार थी एंजीनियरिंग साहस छे, परंतु आजे ए साहस सफल थई एनु लोकार्पण नरेन्द्र भाई ना हाथे थई रह्यु छे। माननीय वडाप्रधान जयरे गुजरातना मुख्यमंत्री था त्यारे गुजरातमां बधा ज विकासना कामों विश्वस्तरीय थाय ए बाबतमां एमनो आग्रह पण रहेतो, लक्ष्यो पण रहेता था अने आयोजन पण रहेतुं हतुं अने आजे एना कारणे ज अनेकविध गुजरातनी विकासनी परियोजनाओ विश्वस्तरीय बनी छे अने संपूर्ण विश्वमां नमूनारूप उदाहरणरूप बनी छे। एमां आज आनो उमेरो थवा जई रह्यो छे। गांधीनगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक प्रकारथी खूब ज बहु उपयोगी प्रोजेक्ट बनवा जई रह्यो छे। एनी साथे साथे वावोल अंडरपास जेना अंडरपासथी रोज 11,000 थी वधार फोर व्हीलर लगभग 2.5 किलोमीटर नो चक्कर काटवानी जग्याए एक अंडरपासमांथी ज निकळी पोताना गंतव्य स्थान सुधी जशे। ए अने सायन्स सिटी नी अंदर बे गैलेरी अने एक नेचर पार्क आ बधानुं ज लोकार्पण थवा जई रह्युं छे। साथे साथे बे नवी ट्रेनो पण आजे चालू थवा जई रही छे। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन ना पुनर्निर्माण नो प्रोजेक्ट लगभग 800 करोड़ रुपया नो लागत थी पूरो थयो छे अने एनी साथे साथे एक 5-स्टार होटेल पण गांधीनगर नी अंदर टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अने टूरिज्म एने गति आपवा माटे बनावामां आवी छे। मेहसाणा वरेठा रेलवेना खंडनुं गेज परिवर्तन अने विद्युतीकरण અને સુરેન્દ્રનગર પીપાવાવ સેક્શનનું વિદ્યુતીકરણ પણ આજે પૂરું થઈ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। એની સાથે જ રેલવેએ જે ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણના લક્ષ્ય રાખ્યા છે એ ખૂબ આગળ જશે। રેલવેએ ગુજરાતની અંદર અનેકવિધ પરિયોજનાઓ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી
पूरी करी छे। हमणां दुनियाना सौथी ऊंचा सरदार साहेबना स्टेच्यू ने विश्वना मानपटल पर आया पछी देशनी महत्वपूर्ण 8 जग्याओ साथे जोड़वानुं काम रेलवे पूरू कर्युं अने आजे गांधीनगर ने बाबा विश्वनाथनी नगरी वाराणसी साथे जोड़वानुं काम पण पूरू थशे। एनी साथे गांधीनगर थी वरेठानी वच्चे एक मेमू सर्विस ट्रेननी पण शुरुआत थशे जे अवर जवर करवावाळा सौ पेसेन्जरो माटे खूब ज उपयोगी सिद्ध थवानी छे। एक एक्विटी गैलेरी अने साइंस सिटी नी अंदर रोबोटिक्स गैलेरी आ बन्ने गैलेरी साइंस नी अंदर रुचि धरावनारा विद्यार्थीओ माटे खूब महत्वपूर्ण साबित थवानी छे। रोबोटिक्स गैलेरी नी अंदर लगभग 11,000 वर्ग मीटर ना क्षेत्र नी अंदर रोबोटिक उद्योगो अने एना आयामोने खूब रसप्रद रीते नाना बाळकोनी सामे रजू करवानो प्रयास थयो छे। मानव रोबोट संवाद थी लई अनेक प्रकारना कृषि अंतरिक्ष रक्षा अनेक क्षेत्रोनी अंदर रोबोटना विविध उपयोगो त्या बतावामां आया छे। एम ज जे एक्वेटिक गैलेरी छे एनी अंदर लगभग 40,00,000 लीटर पाणी भरी वेलथी लई अनेक प्रकारना समुद्री जीवोनो एक गैलेरीनी अंदरथी अनुभव बाळको करी शके अने समुद्रनी नीचेनी पूरा जगतनुं एमनी जिज्ञासा संतोषाय ए प्रकारनुं एक महत्वपूर्ण काम आज साइंस सिटीनी अंदर थवा जई रह्युं छे। अने एनी साथे लगभग 8 हेक्टरमां 13 करोड़ रुपयाना खर्चे नेचर पार्क पण आजे प्रधानमंत्रीजीना हस्ते लोकार्पण थवानुं छे। एने आगर पर एक बायोलॉजिकल पार्कमां पण कन्वर्ट करवानी योजना साइंस सिटीनी छे। आ बधा ज कार्यक्रमो आजे जे शरू थवा जई रह्या छे लोकार्पण थई रह्युं छे ए बधा ज कार्यक्रमो मारा माटे बहु ज सौभाग्यनी वात छे के मारा मतक्षेत्र गांधीनगरमां शरू थवा जई रह्या छे। एटला माटे हुं माननीय वडाप्रधानજીનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ મતદારો વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું કે આ 5 સોગાતો તમે જે આપી રહ્યા છો એ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ મતદારો માટે ખૂબ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવો મિલનો પથ્થર આના દ્વારા આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે। એ વખતે ગુજરાત સરકારના સૌ પદાધિકારીઓ સૌને પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું। વંદે માતરમ। આભાર માનવર ગૃહમંત્રી શ્રી આપકા। ગુજરાત આજ વિકાસ કે રોલ મોડલ કે રૂપમાં વિશ્વભરમાં પ્રતિષ્ઠિત રાજ્ય બના હૈ। વિકાસ કી ઇસ બુલંદ બુનિયાદ કી નીવ માનવર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને રખી ઓર ઉત્તમ ગુજરાત કા સંકલ્પ સાકાર કિયા। ઉન્હીં કે પચિહ્નો પર ચલતે હુએ ઉત્તમ ગુજરાત કો સર્વોત્તમ ગુજરાત બનાને કૃતનિશ્ચય હૈ પ્રગતિશીલ માનવર મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન વિજય રૂપાણીજી। આમંત્રિત કરતે હૈ માનવર મુખ્યમંત્રીજી સે આપ અપના સંબોધન કરે। विकास की राजनीति के प्रेरणा स्रोत और भारत माता को जगत जननी विश्व गुरु की वैश्विक ऊंचाई देने वाले हम सब के हृदय में रहने वाले प्रधानमंत्री और गुजरात के दुलारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के सपूत, गांधीनगर के सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आज ये सब लोकार्पण हो रहा है, ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह, अभी मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और भावनगर के साथ जिनका पहले से रिश्ता है, ऐसे हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारी गुजरात की बहन, सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बहन जरदोस्त, गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान सी आर पाटिल जी, आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्य की माला भेंट स्वरूप में मिल रही है। पिछले 1.5-2 साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां
कामकाज विकास स्थगित हो गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति, आर्थिक गतिविधि, सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है। गुजरात में गांधीनगर में हमारी विधानसभा, हमारा सेक्रेटरियल, दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर, अब ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक ही लाइन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरात की विकास यात्रा को उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने में प्रधानमंत्री श्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से साकार हो रहे ये प्रोजेक्ट्स नए सीमा चिन्ह बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज गुजरात के विकास की चर्चा और तुलना देश के अन्य राज्यों के साथ ही नहीं किंतु विश्व के विकसित देशों के साथ होती है। गुजरात देश का ग्रोथ इंजन, मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है, जिसका मूल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात की बुलंदी और बुलंद विकास इमारत को की जो नींव रखी है उस नींव में है। गांधीनगर बरसों से रेलवे सेवाओं से वंचित राजधानी थी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू से ही सफर से अलावा व्यवसाय और आतिथ्य सत्कार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के रेलवे स्टेशन तैयार करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री श्री ने अब राजधानी के तौर पर गांधीनगर की गरिमा और उसको और उजागर करने के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन की आज भेंट दी है। आज प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर को नई रेलवे ट्रेन की सुविधा भी अर्पण करने वाले हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को शिव जी की नगरी वाराणसी काशी के साथ जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन गांधीनगर वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का भी प्रधानमंत्री श्री प्रारंभ करने वाले हैं। पिपावाव जैसे औद्योगिक विस्तार में से उद्योग के सामान परिवहन के लिए तेज ट्रेन सेवा के लिए सुरेंद्र नगर पिपावाव की 266 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यकाल का भी लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री के वतन वडनगर को जोड़ने वाले मेहसाणा वरेठा इलेक्ट्रिक फाइड ब्रॉडगेज रेल खंड का भी आज प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर वरेठा मेमू ट्रेन का भी प्रारंभ करने वाले हैं। साथियों, रेलवे के लिए गुजरात को सालों तक अन्याय सहना पड़ा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्षों की इन अन्याय से विपरीत नए प्रोजेक्ट्स रेलवे ट्रेन की भेंट गुजरात को देकर सर्वांगीपूर्ण विकास के द्वार अब खोल दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ेगी। महात्मा मंदिर जैसा विशाल कन्वेंशन सेंटर, राजधानी का अति आधुनिक सुविधापूर्ण रेलवे स्टेशन और 5-स्टार होटल देश विदेश से गांधीनगर आने वाले लोगों के लिए तीनों अनमोल उपहार बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री ने विश्व स्तर के समिट और कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी महात्मा मंदिर जैसे विशाल कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के माध्यम से दी है। विश्व की सारी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस यहां पे होगी और गांधीनगर सारी दुनिया में सुप्रसिद्ध होगा, जिसका हमें अत्यंत आनंद है। देश विदेश से आते वैश्विक निवेशकारों, उद्योग व्यापार के प्रतिनिधियों को इन कन्वेंशन सेंटर के नजदीकी वर्ल्ड क्लास आवास सुविधा मिले,
उस उद्देश्य और उनकी प्रेरणा से 318 रूम की सुविधा वाली आधुनिक 5-स्टार होटल का भी निर्माण होगा। प्रधानमंत्री श्री ने गुजरात के साइंस सिटी में 405 करोड़ रुपया की लागत से निर्माण हुए 3 नए आकर्षणों का भी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल दरमियान एक बड़ा विजन के साथ गुजरात के बच्चे युवाओं को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए साइंस सिटी का विकास किया था। साइंस सिटी फेज 2 में आज 8 हेक्टर में नेचर पार्क, भारत की सबसे बड़ी मछली घर का और रोबोटिक गैलरी का भी लोकार्पण करेंगे। साइंस सिटी में बने भारत के सबसे बड़े मछली घर में देश विदेश की 11,000 से अधिक मछलियों देखने की मिलेगी और वहां के कियोस्क के माध्यम से मछली और समुद्री विज्ञान का जानकारी भी मिलेगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात में विकास का स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किए हैं और इस डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए विकास की गति को और ज्यादा तेज करने के लिए गुजरात सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास कार्यों और प्रोजेक्ट की योजना बनती रहती है और आगे बढ़ते हैं। गुजरात में लोक कल्याण के कार्य होते रहे, लोगों की सुख सुविधा बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट साकार होते रहे और गुजरात का विकास वर्ल्ड क्लास बने, ऐसा हमारा संकल्प है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, मोदी स्टेडियम, मेट्रो ट्रेन, कीप सिटी, महात्मा मंदिर, अब नए नवनिर्मित रेलवे स्टेशन, 5-स्टार होटल, साइंस सिटी फेज 2, गुजरात की वैश्विक पहचान और ज्यादा मजबूत होगी। हम सबको साथ मिलके गुजरात की विकास यात्रा को अविरत रखना है। प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में कोरोना की दोनों लहर को गुजरात के साथ साथ पूरे देश ने दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया है। ऐसे कठिन समय में भी विकास कार्य को रुकने नहीं दिया है और सबको साथ लेकर सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र रहा है और उसको आत्मसात करने वाले आज के इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री, गृह मंत्री श्री, रेलवे मंत्री श्री, सबके सारे गुजरात के जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय।